हेलो शशिका अदा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक हफ्ते के बाद यार मुझे यार नहीं आ रहा कब लास्ट वीडियो बनाया था। मुझे लगता है एक हफ्ते के पहले मैंने वीडियो बनाया था। कमेंट में ज़रूर बताना कि कब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। लेकिन अब मैं एक और नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जिस गेम पर हमारी सीरीज चल रही थी, जिसका नाम था क्लिक क्रिकेट, उसके पार्ट 3 के बारे में। यार आप लोग भी सोच रहे हो उसमें क्या है ऐसा जो हमें नहीं पता चला। हमने सभी ऑप्शंस तो देख लिए। यार नया अपडेट आया, उसमें जिस चीज़ की आप लोगों को डिमांड थी वो ऐड हो चुकी है। जहाँ क्या ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। वीडियो को नीचे एक कमेंट अपना प्यारा से करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन और एक नई फीडबैक मिलेगी जिस पर हम फ्यूचर में वीडियो लेकर आ सकें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, गेम को ओपन कर लेते हैं। ओपन मैंने कर लिया, अब मैं बताता हूँ क्या इसमें नया ऐड हुआ है। यहाँ पर मेरा गेम ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर गेम ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो करियर मोड था उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, तो करियर मोड को ओपन कर लेते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इस वीडियो पे मतलब गेम पे ट्यूटोरियल बनाया था, कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया था और साथ में कितने लोगों ने करियर मोड को 100% कंप्लीट किया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टार्ट न्यू करियर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने तो मैं बताऊँ जो पहले वाला करियर था उसको भी दो एक बार कंप्लीट कर लिया था। अपडेट के बाद भी मैंने एक बार इस करियर मोड को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, कोच मोड और प्लेयर मोड। पहले हम कोच मोड में खेलते थे, लेकिन इसमें हम अब अपना खुद का प्लेयर भी बना सकते हो। प्लेयर मोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेयर मोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नेम को पहले ऑप्शन नहीं था, आपको यहाँ पे अपना एक नेम दे देना है। यही कुछ बड़े बड़े चेंजेस इस एप्लीकेशन में हुए हैं। तो यहाँ पे आपका अपना नेम दे देना है। मैं कुछ भी फिलहाल के लिए डाल देता हूँ। अरे बोलना यार, क्या कर रहा है। एक मिनट यार गाइज, एक मिनट। यहाँ पर मैं 2 डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ से कीबोर्ड को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद वैसे ही जो प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना रहता था, आपको वैसे ही प्रोफाइल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है। और एक और नया ऑप्शन, चूज योर टीम। यहाँ से आप जो भी टीम सेलेक्ट करोगे आप वर्ल्ड कप उसी के लिए ही खेल पाओगे। पहले ऐसा होता था जो मतलब आपको टीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, और आप जब भी कोई वर्ल्ड कप वगैरह होता तब आप टीम सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब आपकी एक ही टीम हो जाएगी अगर आप प्लेयर मोड खेलते हो। मैंने यहाँ पे इंडिया पे टिक कर दिया। तो यही सभी चेंजेस आए हैं इस गेम में। आप अपने एज अ प्लेयर खेल सकते हो, और जैसे आप आगे खेलते जाओगे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। जब आप शुरू में खेलोगे तो आपकी बॉलिंग और बैटिंग रेटिंग दोनों ही 75 होगी। अगर आप किसी प्लेयर को चेंज करना चाहते हो, उसे टीम से अंदर बाहर करना चाहते हो, तो जिस प्लेयर को आप बाहर करना चाहते हो पहले आपको उस पर क्लिक करना है, और जिसको अंदर लेकर आना चाहते हो उसके बाद उस पर क्लिक करना है। ये कैसे पता चलेगा? जो सबस में प्लेयर होते हैं वो टीम से बाहर होते हैं, जो मतलब सबस में नहीं होते पहले जो 11 प्लेयर होते हैं वो पूरे के पूरे टीम के अंदर होते हैं। और जिसको भी आपको 11 से बाहर करना है उस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जो सबस के प्लेयर हैं उनमें से जिसको भी आपको लेना है उस पर क्लिक कर देना है। आशा करता हूँ आज का आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।